हम लोग जानेंगे हाउ टू कैलकुलेट द स्टील बार ऑफ ओवरलैपिंग जो हम लोग ओवरलैपिंग करते हैं बार का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसे स्लैब, स्लैब का अलग फॉर्मूला होता है, वो होता है 50D। डी इक्वल टू, डी जो है वो आपका डाई ऑफ बार हो गया, मतलब जो आपका सरिया है वो आपका ये है डी। मान लीजिए कि आप सरिया 10 का यूज़ कर रहे हैं, 8 का यूज़ कर रहे हैं, 12 का यूज़ कर रहे हैं, जितने का भी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हमें ओवरलैपिंग करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए 8 का सरिया हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये फॉर्मूला लगाना है आपको 50D। तो उसमें जो हमारा 8 का सरिया आएगा वो 400 mm का ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। अब हम कॉलम और बीम, इसका जो फॉर्मूला है वो है 40D। इसमें भी डी होगा अपना डाई ऑफ बार होगा, ठीक है। 40D में भी मान लीजिए कि जितना आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जितना भी सरिया यूज कर रहे हैं, उसमें आपको यहाँ पर उतने का सरिया यहाँ पर रख लेना है। तो 40 × मान लीजिए कि 8 का सरिया यूज़ कर रहे हैं हम, तो 320 mm ओवरलैपिंग इसमें भी जाएगा, ठीक है। दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, कॉलम और बीम दोनों के लिए। अब हम कंप्रेशन का यूज़ करेंगे। कंप्रेशन में क्या है, इसका फॉर्मूला है 24D। इसमें हम 24 से बार को कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कि ये आपका सरिया हो गया, ठीक है, और यहाँ से आप एक सरिया ले रहे हैं जिसको आप ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये सरिया आपको ओवरलैपिंग हो गया, ये वाला हिस्सा आपको ओवरलैपिंग है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ओवरलैपिंग होगी सरिया की वो होगा फॉर्मूला पे डिपेंड, आपको फॉर्मूला बेस पे होगा, चाहे कोई सही फार्मूला आप यूज़ कर लीजिए उस पे होगा। और ये आपका प्रॉपर लेंथ हो गया पूरा, और ये आपका हो गया ओवरलैपिंग का लेंथ, ठीक है। ओवरलैपिंग में कभी भी जो आपका ओवरलैपिंग होगा मिनिमम 75 से 80 mm आपको ओवरलैपिंग होगा ही होगा, इससे कम कभी भी ओवरलैपिंग नहीं जाएगा।